कट्टा जानते हैं मन की बात, क्योंकि राजा राजा होता है, राजा 100 पाइपर से नीचे झांट नहीं पिएगा। अभी तो भोदड़ी का नया नया दारू कल मैं देखा, मतलब पिया पहली बार, मैंने कल भी बताया था, थोड़ा सा कॉस्टली था, लेकिन यहाँ पे आए हैं, गोलू गोल्ड ने हमको गिफ्ट किया कि भैया 100 पाइपर पीजिए, भाई का प्रेम है तो भाई का बात थोड़ी ना काट देंगे जी, पगला हो क्या, अपने को क्या लाण फर्क पड़ता है। हम लोग तो पीने, हम लोग देसी आदमी हैं, गांव में रहते हैं, शुद्ध वातावरण में जीते हैं, झांट नहीं मरेंगे 90 साल तक, 90 साल तक हम लोग जिंदा रहेंगे, ऐसे ही पीते रहेंगे। अपना कोटा ज्यादा का नहीं है, खाली एक फूल। पैसा तो मान लीजिए अपने बाप के पास भी बहुत है, अपने पास भी बहुत है, लेकिन हमारे चाहने वाले इतने हैं, जो मेरे परिवार के मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे छोटे भाई हैं, सब खुद एक बोतल लेके आज सवेरे में पहुंच जाते हैं 7:30 बजे। गाइस थोड़ी सी यही दिक्कत है, अभी हमको पहले मिठाई खिला के शुगर फैला रहे हैं और उसके बाद एक बोतल लेके आएंगे कि भैया आज हमारा पीजिए, आज गोलू गोल्ड ने दिया, क्योंकि भैया गोल्ड में इतना पैसा कमाए, गोलू गोल्ड को दिखाइए इतना पैसा कमा। आइए आप भी जेसीबी मालिक, आप भी आइए पीलिए इधर। तो हम जो है बताना चाहते हैं गाइस कि अभी जो हम जो है गंगा किनारे बैठे हुए हैं गाइस, ये देखिए व्यू दिखाइए इधर का। हम जो है, मेरे कुछ दोस्त हैं, उनकी गांड फटी पड़ी है कि कैमरा में ले लेगा भोसड़ी वाला, सुबह फिर वीडियो डिलीट कराना पड़ेगा, इसलिए गाइस चश्मा लगा के लोग हीरो बन रहे हैं, झांट नहीं आना चाहते हैं। लेकिन गाइस ये देखिए गंगा किनारे हम बैठे हुए हैं, ये जमीन जो है हमारी है, मेरे बाप की ये नंबर की जमीन थी, मैंने गांव वालों को दान कर दिया कि तुम लोग मुर्गा उर्गा बनाओ, खाओ पियो, मतलब जो चाहिए वो। देखिए सब भोसड़ी का इधर मुर्गा बना के खाते पीते हैं। तो गाइस हमको उससे झांट फर्क नहीं पड़ता। गाइस एक पैक पीक बता रहा हूँ, थोड़ा सा नशा मेरा कम हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पे आज मंगलवार न होता तो शायद अब तक चिकन मटन का भरमार होता, मंगलवार है, नमकीन काजू का बादाम का खा दिए, चना नम भुला गली गाइस, थोड़ा सा मैं बड़ा आदमी हूँ, चना।